साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नजर आ रहा है वो है इंडिया, और ऐसी तेज रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। देखिए, ये एक स्टडी होना चाहिए, इसकी पूरा एक ये केस स्टडी है। और ये बड़ी जहां पे बातें होती हैं सुनने को मिलता है, एंड एवरीबॉडी इज जस्ट सेइंग वास वन थिंग, और वो ये है कि दैट इंडिया इज अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एंड जो इंडिया जो है वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सब के सब कंट्रीज इस वक्त ढेर हुए पड़े हैं, किसी के पास ताकत नहीं इतनी कि वो उठ के खड़ा हो। वो अपनी बात है कि बड़के मारते रहें, आप धमकियां देते रहें, आप कहें कि जनाब पूरे उसमें कब्जा करना है, ये करना है, वो करना है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सबका माइंडसेट यही है ना, इस तरह की बातें होती रहती हैं। वेस्ट भी समथिंग वॉज ऑफरिंग दम, कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा था, और रशिया भी कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा था। लेकिन अभी जो अमेरिका लेड जो ग्लोबल अलायंस है, या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वो इंडिया को ऑफर कर रहे हैं, दैट इज बियॉन्ड। अगर हम साउथ एशिया का जायज़ा लें कि साउथ एशिया में जो कंट्रीज़ हैं उनकी इस वक्त इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, तो हमें नज़र आता है कि इन गिने चुने मुल्कों में से बेशतर कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो इस वक्त बहुत बुरे हालात में हैं। वो पाकिस्तान जहाँ पर है वो तो हम जानते हैं, हम तो बात करते रहते हैं उसके ऊपर। अच्छा, फिर ये भी कि जो ज़हनी दिवालियापन है, एक तो होता है ना कि आपका मुआशी दिवालियापन, और फिर एक होता है ज़हनी दिवालियापन, यानी कि दिमाग का दिवालियापन, वो भी अपनी जगह पर है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर मतलब लोग रहते हैं कि जो ऐसे ऐसे फतवे जारी करते हैं कि लोग अकल दंग रह जाती है कि ये क्या कही है उन्होंने बात। अच्छा, फिर हमारी जो तालीमी सूरत हाल, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी हमारी पूरी दुनिया की जन जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें शुमार नहीं होती। और फिर हमारी जो जुडिशरी की सूरत हाल है उसके ऊपर तो हम जानते ही हैं कि वो किस तरीके से नंबरों में नीचे आ रहे हैं। इकोनॉमी को तो हम अलग रख दिया हमने, कहा भाई वो तो उस पर तो बात ही नहीं की जा सकती इस वक्त। तो पूरी दुनिया से जो कर्जे हैं उनका हजम जो है वो अलग है, और जो मैं बात कर रही थी कि जुडिशरी नंबर जो है वो हम किस तरीके से नीचे आ रहे हैं, बल्कि मैं देख रही थी कि एक वीडियो आई, एक क्लिप आया, वीडियो क्लिप, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो कि एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस है कोई जिसमें कि तमाम लॉयर्स, लॉ के स्टूडेंट्स, जजेस, ये सब मौजूद हैं, यानी वही उन्हीं की फ्रेटर्निटी मौजूद है, उनसे उन्होंने सवाल किया कि ये कितने लोग यहाँ पे अपना हाथ खड़ा करेंगे और बताएंगे कि आपको ये जो आप समझते हैं कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है वो इंसाफ पर मबनी है और आप इसको यस करेंगे। तो पूरे हॉल में से एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो है इंडिया, और ऐसी तेज़ रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। देखिए, ये एक स्टडी होना चाहिए, इसकी पूरा एक ये केस स्टडी है। अगर कोई मुल्क इस रीजन का, चले हम दुनिया को नहीं कहते, हम कहते हैं कम से कम ये जो कंट्रीज़ हैं वो अगर ऊपर जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और मुश्किल हालात से निकलना चाहते हैं, तो क्या उनको ये केस स्टडी नहीं करनी चाहिए कि पूरे साउथ एशिया में एक ही कंट्री है इस वक्त जो कमाल की तरक्की करता हुआ नज़र आ रही है, यानी दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गया, और जीडीपी ग्रोथ, और जो ट्रेड की हम बात करें, हम एक्सपोर्ट्स की बात कर लें, इम्पोर्ट्स की बात कर लें, मतलब किसी भी शोबे की तरक्की की बात कर लें, तो पूरी दुनिया में वो डिस्कस होता रहता है, लोग उसके ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं। पता चला हमें जनाब के दुनिया का जो दूसरा अमीर तरीन बंदा है वो भी वहाँ से बन गया। चलें, ये तो मैं बिल्कुल एक आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इसकी तो बेस तो यही है ना कि उनकी इकॉनमी कहाँ पर है, वो कितना तरक्की कर गया है इंडिया, कैसे किया उसने इतनी तरक्की, उसके पास ऐसा कौन सा जादू का चराग है, उन्होंने कौन सा मंत्र फूंका है, मतलब क्या मैजिक है उनके पास, ये हमें देखने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या उनके पास है ऐसा कि जिसमें पूरे साउथ एशिया में अगर कोई एक कंट्री अपने पाँव पर खड़ा है, और सिर्फ पाँव पे नहीं खड़ा बल्कि वो तो भाग रहा है अपने पाँव पर, और आगे वो ये कह रहा है, वो ये क्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है कि सुपर पावर उसने बनना है। आपको ये पता चलता है कि सब के सब कंट्रीज़ इस वक्त ढेर हुए पड़े हैं, किसी के पास ताकत नहीं है इतनी कि वो उठ के खड़ा हो। वो अपनी बात है कि बड़के मारते रहें, आप धमकियां देते रहें, आप कहें कि जनाब पूरे उसमें कब्जा करना है, ये करना है, वो करना है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सबका माइंडसेट यही है ना, इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो हम बहुत पीछे हैं। इंडियन समझते हैं कि अगर हमने रशिया के करीब होना है, तो फिर उसके लिए हमें जो एक रशियन स्ट्रैटेजी है कि वो कॉन्टिन्यूसली चाइना के जेरे साया है, वो हमें कबूल नहीं है।
अब रशिया, जारी बात है उसको पता है कि वो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। खैर एनी हाउ, अब इसके साथ साथ रशियंस ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी डीकपलिंग करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी को यूरोपियन यूनियन से, और इंडिया जो है वो डीकपल करना चाहता है अपनी इकोनॉमी को चाइना से। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स। ये कितना टाइम लगेगा, कैसे लगेगा, 125 अरब डॉलर की इंडिया चाइना की ट्रेड है, ये आइंदा किस तरफ चलेगी वो एक अलहदा बात है। और अब जारी बात है, ये जितना एशिया पैसिफिक रीजन है, ये बेसिकली प्रेसिडेंट पुटिन का कहना ये था कि इसका रोल बड़ा इंक्रीज हो गया है, लेकिन ना तो चाइना मानता है इस माइंडसेट को रशिया के, और क्योंकि चाइना के अपने स्टेक्स बहुत हाई हैं साउथ ईस्ट एशिया में और इस खत्ते में, और इंडिया भी ना ही मानता इस माइंडसेट को कि जी इस शिफ्ट को कि जी पिवट टू एशिया, हम रशिया के माइंडसेट एंड रशिया के पॉलिटिकल मोटिव के तहत जो है वो हम एशिया साउथ ईस्ट एशिया में करें। अब इससे पहले रशिया ने, ये जो पिवट टू एशिया की बात है, इससे पहले रशिया ने एक और भी माइंड जो पॉलिसी चलाने की कोशिश की थी बैक इन 2010 2012 के अंदर, टर्न टू ईस्ट, वो बेसिकली वो भी जो है वो बुरी तरह फेल हो गई थी, बिकॉज चाइनीज नहीं चाहते कि रशिया जो है, चाइनीज चाहते हैं कि रशिया इसी यूरोप में बैठ के अमेरिका को टफ टाइम देता रहे, यूरोपियंस को टफ टाइम देता रहे, और हम अमेरिका चाहे रशिया के पार्टनर रहे, और जहां पे हमें रशिया की इंटरनेशनली जरूरत पड़े इकोनॉमी के सेंस में, डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से, या अगर कभी उनकी जरूरत पड़े हमें एशिया पैसिफिक में तो हम बात करें। लेकिन चाइना, इंडिया जो है इट इज स्टेपिंग बैक। आप नरेंद्र मोदी ने जो वहां पे पुटिन के सामने ये कहा कि रशिया मस्ट मूव ऑन टू द पाथ ऑफ द पीस, ये बेसिकली एक समझ लें कि एक रशिया के लिए जैसे कहते हैं ना, एक एक बड़ा चैलेंजिंग चीज थी कि हमें पुटिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है। अब जारी बात है, ये जो एससीओ की समिट हुई वहां पे ये सारी जो है वो चीज है बली। अब जैसे मैंने बताया कि बार बार इंडिया ये कह रहा है कि जो मॉस्को है, रशिया जो है वो बीजिंग का जूनियर पार्टनर बनता जा रहा है। रशिया ने इंडिया लार्जली बड़ी देर तक जो है वो जैसे कहते हैं ना वो जी वो किसी के साथ नहीं थे वो जी, ठीक है जी, लेकिन वो जब किसी के साथ नहीं थे तो वेस्ट भी समथिंग वाज ऑफरिंग देम, कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा था, और रशिया भी कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा था। लेकिन अभी जो अमेरिका लेड जो ग्लोबल अलायंस है या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो वो इंडिया को ऑफर कर रहे हैं, दैट इज बियॉन्ड रशियाज अंडरस्टैंडिंग इवन। तो अब जारी बात है कि इंडिया को कॉन्टिन्यूसली आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली स्लिप करना है टूवर्ड्स वेस्टर्न ममालिक। ऑटोनॉमी रहेगी लेकिन स्लिप करेगा, क्योंकि उनको पता है कि हमें तो ज्यादा इंसेंटिव तो हमें तो अमेरिका और पूरी दुनिया से मिलने हैं, तो हम वो इस चीज को क्यों तरफ जो है वो जाएं। अब यहाँ पे जो जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये चीजें जो है जाहिर बात है खटकती हैं, और देन रशिया जैसे मैंने कह दिया नथिंग टू ऑफर टू दी एशियन कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करें कि रशिया इंडिया का अमेरिका का इतना प्रेशर है, एंड आई हैड कन्वर्सेशंस इन द यूएस अबाउट दिस, इंडिया गेटिंग S-400 और चाइना गेटिंग S-400, और ये बड़ी जहां पे बातें होती हैं सुनने को बोलते हैं, एंड एवरीबॉडी इज जस्ट सेइंग वन थिंग, और वो ये है कि दैट इंडिया इज अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एंड जो इंडिया जो है